चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, महाराष्ट्र से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शरद पवार के संपर्क में अजीत पवार के विधायक हैं। सूत्रों से ये खबर आ रही है कि शरद पवार के संपर्क में अजीत गुट के 10 से 12 एमएलए बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शरद पवार के संपर्क में अजीत पवार के 10 से 12 एमएलए पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार के गठन की जो गहमा गहमी है, उसके बीच महाराष्ट्र में भी सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। अजीत पवार एनसीपी विधायकों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं और सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार गुट के 10 से 15 विधायक शरद पवार के संपर्क में बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार चाहते हैं। फडणवीस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि उनके पद पर बने रहने की संभावना है, क्योंकि फडणवीस ने नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनके पद पर बने रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि वो अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन जिस तरह के सियासी समीकरण महाराष्ट्र में बनते नजर आ रहे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह के सियासी समीकरण महाराष्ट्र में दिख रहे हैं, वो बदलते नजर आ रहे हैं। और लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आए हैं, ये कैसे आगे का सियासी सफर तय करेंगे, आगे की सियासत को तय करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से रेजिडेंट एडिटर राजीव रंजन जी। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। सर, जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनावी नतीजे आने के बाद सियासी समीकरण बदलने की लगातार संभावना जताई जा रही है, क्या लगता है आपको महाराष्ट्र में क्या सियासी समीकरण बदलने की तरफ रुख दिखाई दे रहा है? जिस तरह से खबर आ रही है कि अजीत पवार गुट के 10 से 15 एमएलए शरद पवार के संपर्क में हैं, ऐसे में क्या लगता है सर, किस तरह से राजनीति बदली नजर आ रही है महाराष्ट्र की? वक्ता स्पष्ट है कि राजनीति में जिस तरीके से ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी कुछ उतार चढ़ाव होने की संभावनाएं हैं। जी, रही बात की आपके सवाल का, क्या क्या 10 से 15 विधायक जो है अजीत पवार गुट के क्या शरद पवार के संपर्क में है, चलने कैसे? निश्चित तौर पर शरद पवार एनसीपी के एक बड़े नेता हैं, यानी भले ही अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट दो अलग अलग हो गया हो, लेकिन एनसीपी के जो पुराने कार्यकर्ता पुराने जो नेता है, वो आज भी शरद पवार को अपना आदर्श, अपने एक दैवत देव तुल्य मानते। शरद पवार को निश्चित तौर पर अजीत पवार गुट के लोग जरूर मिलने गए थे, लेकिन महज वो मुलाकात भर थी, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से जो कुछ लोगों से जो मेरी बातचीत थी, उन्होंने कहा कि हम केवल बस आशीर्वाद साहेब का आशीर्वाद लेने गए थे, और आशीर्वाद क्योंकि हम बराबर हम साहेब से मिलते जुलते रहते हैं, तो इसीलिए हम आशीर्वाद लेने गए थे। हालांकि इसे राजनीतिक तौर पर न देखा जाए उस तरीके से उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, लेकिन बात ये जरूर है कि शरद पवार के गुट के लोग या अजीत पवार के गुट के लोग जरूर चाहते हैं कि शरद पवार ही नेतृत्व करें, क्योंकि जिस तरीके से जो अगर जो स्ट्राइक रेट देखा जाए, जो वोटों की प्रतिशतता देखी जाए, तो वहाँ शरद पवार के गुट को ज्यादा वोट मिले हुए हैं, और लोगों के मन में यही विश्वास है कि अगर एनसीपी का लीडरशिप शरद पवार के हाथ में रहेगा तो निश्चित तौर पर ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। इसी बीच 10 जून को एनसीपी का स्थापना दिवस है, और उस स्थापना दिवस को लेकर भी कई सारी तैयारियां भी चल रही है, लिहाजा कई लोग इस बारे में मुलाकात भी करने गए थे, हालांकि ये जरूर था कि अलग अलग बूथों से भी लोग थे। अभी फिलहाल मैं आपको ताजा तरीन खबर बता दूं कि एक तरफ शरद पवार गुट के जो भी सांसद जीत कर आए हैं उनकी एक बैठक चल रही है वो एनसीपी कार्यालय में, दूसरी तरफ अजीत पवार गुट के जो शीर्ष नेता है उनकी एक बैठक चल रही है वो अजीत पवार के घर पर चल रही है, जिसमें छगन भुजबल है, एक जो इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल हैं, रामराजे निंबालकर हैं, और कई और वरिष्ठ नेता हैं। वहीं शरद पवार के साथ जो भी सांसद जीत कर आए हैं वो है
खास करके अगर आपको एक नाम बताऊं मैं, तो जिसमें बीड़ से जो सांसद हैं बजरंग मनोहर सोनावने, वो भी आए हैं बीड़ से। उनका आने का मकसद मैं बता दूं कि महज 6000 वोटों से उन्होंने जो गोपीनाथ मुंडे की बेटी को हराया, उन्होंने पंकजा मुंडे को वहां हराया है। वो गढ़ कहा जाता था गोपीनाथ मुंडे का, और पंकजा मुंडे का हारना बीड़ से अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि क्या बीजेपी की वहां से पकड़ ढीली हो रही है क्या। महज 6593 वोटों से हराया है। हालांकि उनका स्वागत सत्कार भी किया गया है पार्टी ऑफिस में बजरंग मनोहर सोनावने का। इसके अलावा जितने भी लोग जीत कर आए हैं, जो 8 लोग अलग अलग हिस्सों से जीत कर आए हैं, वो शरद पवार के दिशा निर्देश में आगे क्या अपनी कार्रवाई करेंगे, जिस तरीके से अगर इंडिया गठबंधन में आगे उनको किस तरीके से उनकी भूमिका निभाई जाएगी, पार्लियामेंट में किस तरीके से बातें होंगी, ये सारी चीजों के लिए वो शरद पवार जरूर उनसे निर्देश करेंगे। साथ साथ जो मैंने बताया कि जो स्थापना दिवस है, उस स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां किस तरीके से होंगी, इस बात को भी लेकर चर्चा होगी जरूर। ये बात जरूर है कि अजित पवार गुट के कुछ लोग उनके संपर्क में हैं, लेकिन वो बस महज एक तरह से औपचारिक बातें हैं। उसे किसी राजनीति से नहीं देखे जाने की बात उन लोगों ने भी स्पष्ट की जो लोग मिलने गए थे। उनका यह मानना है कि साहेब के उनके देवतुल्य हैं, और जिस तरीके से 84 साल की उम्र में भी इस तरह का काम किया है, तो हम निश्चित तौर पर उन्हें एक बधाई देने गए थे। क्योंकि कई सारे बेनामी जो गुलदस्ते वहां पहुंचे हैं, वो ये भी कहा जाता है कि वो अजित पवार गुट के जो भी विधायक हैं उनके तरफ से दिए गए हैं, या वो नेता हैं जो अजित पवार के गुट में हैं लेकिन शरद पवार को भी अपने एक आदर्श मानते हैं, उस तरह से हैं। ये राजनीति में अलग अलग बातें जरूर चलती हैं। हालांकि इसे पूरी तरह से ये भी नहीं देखा जा सकता है कि कहीं उन लोगों के मन में पार्टी छोड़कर, यानी अजित पवार छोड़कर शरद पवार गुट ज्वाइन करने की बात है क्या। अभी तक इसे थोड़ा सा बहुत सतही तौर पर कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि शरद पवार गुट का जो स्ट्राइक रेट है या शरद पवार का जो परफॉर्मेंस है, वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बेहतर रहा है। महज 10 सीटों के ऊपर उनकी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें से 8 सीट वो जीत कर आया है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आज भी शरद पवार एक योद्धा के रूप में सामने आए। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से आपने बताया है कि जो शरद पवार की स्ट्राइक रेट रही, वो अजीत पवार उसमें कहीं ना कहीं फेल होते नजर आए। कहीं ना कहीं जो तस्वीर थी शरद पवार ने, उससे बिल्कुल महाराष्ट्र में बदल दिया। लेकिन दूसरी तरफ लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, एक तरफ एनसीपी की बैठक हो रही है, एक तरफ अजीत पवार गुट की हो रही है, ऐसे में खबर इस बात को लेकर भी आ रही है राजीव जी की उद्धव की जो शिवसेना है एक बार फिर से एनडीए का रुख कर सकती है, ऐसे में क्या लगता है एक बार फिर से एक जो समीकरण होगा फिर से वो गुलाटी खाता नजर आ रहा है? देखिए, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है और बीजेपी का साथ है, वो 25 सालों से पुराना है। दोनों की बातें जो है, दोनों पार्टी का मूल आदर्श है हिंदुत्व को लेकर है, और बार बार इस बात को लेकर दोनों में इसी बात को लेकर आगे बढ़े। लेकिन बीच में जो टकराहट हुई है, वो यहाँ जो विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर, पिछले विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर टकराहट हुई थी, वो स्थानीय स्तर पर टकराहट थी। हालांकि केंद्रीय स्तर अगर उसे चाहता तो निश्चित तौर पर उसे खत्म कर सकता था उस टकराहट को, और इससे एक बार दोनों साथ आ सकते थे। लेकिन दोनों की टकराहट इतनी तीव्र हो गई थी कि स्थानीय नेताओं की तरफ से, खास करके कई ऐसे बड़े नेता थे जो स्थानीय नेताओं थे, उन्होंने पूरी तरह से ये आश्वस्त किया था केंद्रीय नेतृत्व को कि अगर शिवसेना हमारे साथ भी नहीं आती है तो हमें इसका कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, हम बड़े बेतकल्लुफ से हम विधानसभा में हम काबिज हो जाएंगे और सरकार बनाएंगे। हालांकि वो सरकार नहीं बना पाए थे, किसी तरह से जोर शोर के बाद फिर से जब सरकार गिरी, शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की सरकार जब गिरी, तब फिर से एक नए समीकरण के साथ बीजेपी शिवसेना के दूसरा धड़ा और एनसीपी का दूसरा धड़ा बनकर सरकार बना। लेकिन कभी भी उद्धव ठाकरे ने व्यक्तिगत तौर पर मोदी जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं, व्यक्तिगत तौर पर जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उन्हें उनकी आलोचना नहीं की। हालांकि ये बात चुनावी भाषण के दौरान जरूर बातें की गई थी, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो बीजेपी में, जो आज भी शिवसेना के उद्धव के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध हैं और वो जुड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं और उन संबंधों को साथ साथ आगे भी चलते रहता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार उद्धव ठाकरे और बाकी लोगों के हालचाल भी पूछते रहे हैं, लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि तुरंत के तुरंत सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हालांकि वक्त लग सकता है, सेना की तरफ से जरूर कई बार ये कोशिश की जाएगी और आगे भी हो सकता है कि आगामी वाले दिनों में अगर एनडीए में उन्हें बेहतर तरीके से उनका स्थान नहीं मिला इंडिया गठबंधन में, तो हो सकता है कि एनडीए की तरफ उनका रुख बन सकता है। क्योंकि अभी भी जो शिंदे गुट के कई सांसद हैं वो बार बार उनका जो अगर कहा जाए कि उनकी पूरी तरह से आस्था है वो शिवसेना के उद्धव गुट में है और वो बार बार मानते भी हैं, कई बार वो मुलाकात भी कर चुके हैं। तो हो सकता है कि अगर शिंदे गुट के सांसदों का रुख शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की तरफ गया आधे से अधिक लोगों का, तो निश्चित तौर पर वो एक अगला रुख हो सकता है और शिवसेना को एनडीए में आने के लिए भी अगर अनुमति या एक तरह से उनकी निमंत्रण मिलता है बीजेपी की तरफ से, तो उसे वो नाकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये जरूर है कि शिवसेना बराबर ही ये चाहती है, अभी पिछले दिनों से जिस तरीके से बातें उभर कर आई हैं, तो शिवसेना सत्ता में बनी रहना चाहती है। सत्ता में बनी रहने के लिए अपने दूर से अलग लोगों से उन्होंने संपर्क साधा और एक गठबंधन करके वो यहाँ महाराष्ट्र में सरकार बनाई। लिहाजा वो चाहती जरूर होगी कि केंद्र में भी वो अपनी हिस्सेदारी रहे और केंद्र में भी कम से कम सत्ता में आ जाए और एक बार फिर से जो पुराने संबंध हैं वो फिर से एक बार साथ साथ आ जाए। क्योंकि शिवसेना का अगर देखा जाए कि 29 सीटों पर उन्होंने यहाँ इलेक्शन लड़ा था, 29 सीटों पर अगर देखा जाए तो महज 8 से 9 सीटों पर ही वो काबिज हो पाए हैं। तो अगर देखा जाए तो उनको भी इस बात का सीधा सीधा मानना है कि नुकसान उनको हुआ है बीजेपी के साथ अलग होने से। अगर मैं मुंबई से बगल में जो सीट है रायगढ़ की बात करूं, जहां से अनंत गीते बराबर जीता करते थे, अनंत गीते अगर यहां देखा जाए तो शिवसेना बीजेपी से अलग होने के बाद इस बार वहां फिर भी उद्धव ठाकरे गुट से ही वहां कॉन्टेस्ट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि बीजेपी का सपोर्ट एनसीपी को था तो वहां से सुनील तटकरे जीते हैं 32,000 वोटे थे। यानी ऐसे कई ऐसी जगह है जहां शिवसेना ने बीजेपी से अलग होने के बाद अपना नुकसान ही रहा है, अगर बीजेपी के साथ रहते तो वो सीट आज भी उनके निकल जाते। तो ये कुल मिलाकर बीजेपी शिवसेना की तरफ से भी मंथन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ, बीजेपी से अलग होकर उनका कितना नुकसान हुआ। वहीं बीजेपी भी अगर देख रही है कि अगर शिवसेना साथ होती तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो स्थिति खराब हुई है, जो स्थिति अलग हो गई है, वो शायद नहीं होती, क्योंकि नए शिवसेना और नए ये एनसीपी के गठबंधन से उन्हें भी काफी नुकसान हुआ है। क्योंकि अजीत पवार को लेकर बार बार जो बीजेपी के अलग अलग बयान हुआ करते थे वही उनके साथ अब आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान जरूर हुआ है। एक बात और भी है कि यहाँ महाराष्ट्र में बीजेपी को एक तरह से देखा जाए कि वो घर तोड़ती है, तो ये सारी चीजों से जरूर दोनों को मंथन करना होगा। दोनों के मंथन करने के बाद ही कोई बीच का रास्ता बनता है, तभी वो साथ आ सकते हैं। फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि दोनों की अलग अलग बयानबाजियां हो रही हैं। संजय राउत की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस मोदी का पर्याय ढूंढ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्याय ढूंढ रही है। पर्याय में कई और नेता है जो शायद शिवसेना के संपर्क में होंगे, तो जिस बात को लेकर ये चर्चा हो रही है। लेकिन अभी तक ये अगर कहा जाए तो अभी तक ना तो बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव आया है कि आप एनडीए के गठबंधन में आए। शिवसेना जरूर अंदर खाते में ये बात जरूर उठ रही है कि अगर एनडीए से कोई प्रस्ताव आएगा तो हो सकता है जाए, क्योंकि दोनों की जो मूल आदर्श है हिंदुत्व उसी को लेकर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस खबर पर हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों तक महाराष्ट्र की राजनीति को इतने बेहतर तरीके से साफ करके बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।